नमस्ते, मैं हूँ संचिता और मैं आपके लिए संगीत की दुनिया में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेके आई हूँ। किस प्रकार आप रियाज करेंगे जिससे आपकी आवाज ऊंचे स्वर तक आराम से पहुंच पाए, तो यह है तार सप्तक का रियाज किस प्रकार करें। रियाज करते वक्त जैसे जैसे आप मध्य सप्तक के स्वर लगाते हैं, एक एक स्वर पे आपको ठहरना है और फिर खरज का रियाज करके फिर मध्य सप्तक के स्वरों का रियाज करते हुए धीरे धीरे तार सप्तक के स्वरों पे बढ़ना है। और जैसे जैसे आप रियाज करेंगे आप देखेंगे कि तार सप्तक के स्वर बहुत ही आराम से आप लगा पाते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखने की है, जब आप रियाज करते हैं तो कुछ और ना सोचे, आगे मुझे क्या क्या करना है, मुझे बाजार जाना है, अरे ये काम रह गया, ये नहीं सोचना है। आप जब रियाज कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस स्वर पे होना चाहिए, उससे आपके स्वर पक्के होते हैं और आपका ध्यान, जो कि संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप मेडिटेटिवली ध्यान से रियाज करते हैं तो आपका जिस प्रकार आपका ध्यान बढ़ते जाएगा आपके स्वर भी और पक्के होते जाएंगे और सही लगेंगे अपने स्थान पे। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार आपको प्रतिदिन रियाज करना है। सबसे पहले बेस नोट सा लगाएंगे, सा सा नी ध प ध नी सा। आप तानपुरे का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लड़कियां सी की स्केल पे कर सकती हैं, लड़के सी शार्प पे इस तरह का रियाज कर सकते हैं, नहीं तो तानपुरे पे रियाज कर सकते हैं और हारमोनियम पे साप रख कर इन स्वरों पे आप रियाज कर सकते हैं। सा रे सा रे ग रे सा सा रे ग म म ग रे सा। वापस खरज पे जा सकते हैं, सा नी ध प म प ध सा। सा रे ग म प प म ग म प ध प म ग रे सा। रे ग म प ध ध नी नी पे रुकिए, ध पे रुकिए, प पे रुकिए, जितनी देर आप सांस अपनी रोक सकते हैं उन स्वरों पे रोक के नी तक जाइए, फिर ध प म ग रे सा, फिर सारे ग म प ध नी और फिर सा। प ध नी सा सा नी ध प ध नी सा रे सा सा रे ग म ग रे
सा नी ध प म प ध नी सा। आपको और स्लो रियाज करना है, धीरे धीरे रुक के रियाज करना है, लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया है उसी तरह करना है। जितना आप खरज का रियाज करेंगे, खरज मतलब जो मंद्र सप्तक के स्वर है उनका रियाज करेंगे, उतना ही आपकी आवाज तार सप्तक के स्वरों पे अच्छे से बहुत ही आराम से जाएगी। तो आशा है मुझको कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी प्रकार सही तरह से रियाज करिए और आप देखिएगा कि आपकी गायकी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि आप और भी अच्छा गा सकेंगे। थैंक यू।